गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो फर्स्टली बेटा हम बात करेंगे कि इस यूनिट को हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को पढ़ेंगे, ओके, और सेकेंड पार्ट के अंदर हम बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रहे बेटा, जो हमारे शुरू के लेक्चर रहेंगे वो रहेंगे बेटा एल्डिहाइड और कीटोन्स के ऊपर, और उसके बाद हम कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ने वाले हैं। तो अब बात बेटा आपके माइंड के अंदर ये बात आ रही होगी कि हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को हम एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रहे बेटा, जो एल्डिहाइड और कीटोन्स के जो मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं, अब दोनों एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर जो सेम थिंग है वो है बेटा CO ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप। ओके, तो आप देखोगे बेटा जो भी एल्डिहाइड का कॉम्प्लेक्स होगा उसके अंदर CO ग्रुप प्रेजेंट होगा। ऑन दी सेम वे जो भी बेटा आपका कीटोन का ग्रुप होगा उस कीटोन के कॉम्प्लेक्स के अंदर भी CO ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो अब हम देख रहे हैं बेटा एल्डिहाइड और कीटोन के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, एल्डिहाइड और कीटोन के जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के साथ किस टाइप से डिफर है। तो ध्यान रहे बेटा, दोनों कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर CO ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो अब देखना है बेटा जी, आप जब भी आपने कोई एल्डिहाइड का कॉम्प्लेक्स पढ़ना है तो आप बेटा ध्यान रहे यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप होगा, मींस कोई R ग्रुप होगा, R के साथ CO ग्रुप होगा और CO के साथ यहाँ पे बेटा H अटैच होगा। ओके, मींस एल्डिहाइड के कॉम्प्लेक्स के अंदर बेटा CHO ग्रुप होगा, CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब आपने बेटा इसी को सेम कंपैरिजन करना है यहाँ पे RCO के साथ H। अब कीटोन के अंदर आपने चेक करना है R सेम आ रहा है बेटा यहाँ पे, फिर CO आया और यहाँ पे इस H एलिमेंट की जगह पे यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, मींस कोई R ग्रुप या फिर कोई R डैश ग्रुप प्रेजेंट होगा। अगर बेटा ऐसा हो रहा है तो आप बोलोगे बेटा यहाँ पे कीटोन का कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा, मींस कीटोन मॉलिक्यूल होंगे। और यहाँ पे बेटा जी RCO के साथ अगर H अटैच है तो एल्डिहाइड रहेगा। ओके, तो सेकेंडरी स्विक्स जो रहेगी बेटा, ध्यान रहे एल्डिहाइड के लिए जो हम सेकेंडरी स्विक्स यूज करते हैं दैट इज द CHO, और जो आपका कीटोन के लिए जो सेकेंडरी स्विक्स होगी बेटा वो ये रहेगी CO, मींस इन दोनों के साथ यहाँ पे कोई R ग्रुप होगा और यहाँ पे कोई R डैश ग्रुप या फिर R ग्रुप हो सकता है। ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा यहाँ पे IUPAC नेमिंग ऑफ द एल्डिहाइड कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्टली हम बेटा बात कर रहे हैं एल्डिहाइड कॉम्प्लेक्सेस की IUPAC नेमिंग कैसे करोगे आप। तो ध्यान रहे बेटा, जब भी आपके पास CHO ग्रुप प्रेजेंट हो, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर CHO ग्रुप प्रेजेंट हो, तो जो सेकेंडरी स्फिक्स रहती है वो रहती है बेटा अल, जैसे ही आप IUPAC नेम लिखोगे आप। ओके, तो अब मैं एक मॉलिक्यूल लेके चल रहा हूँ बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हो आप HCHO। तो फर्स्ट जब भी हम IUPAC नेमिंग करते हैं तो सभी को बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, हम देखते हैं बेटा उस मॉलिक्यूल के अंदर वर्ड रूट कौन सा है। वर्ड रूट हमारे को ये बताता है बेटा उस मॉलिक्यूल के अंदर, उस कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ द कार्बन एटम कितने परसेंट हैं। तो आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो बेटा, यहाँ पे एक कार्बन है तो इट मीन्स बेटा मिथ रहेगा, क्या रहेगा बेटा आपका मिथ। तो कार्बन और कार्बन के बीच में, तो यहाँ पे बेटा सिंगल बॉन्ड चल रहा है तो इट मीन्स जो प्राइमरी स्फिक्स रहने वाली है वो रहेगी बेटा अल, मिथ सॉरी, कार्बन और कार्बन के बीच में बेटा सिंगल बॉन्ड चल रहा है तो जो प्राइमरी स्फिक्स रहेगी बेटा वो रहेगी एन, ANE, एन। ओके, और यहाँ पे बेटा आप देख रहे हो CHO ग्रुप है तो आपके लिए जो सेकेंडरी स्फिक्स रहेगी वो रहेगी बेटा अल। ओके, अब यहाँ पे टू बॉल्स एक साथ ही आ रहे हैं तो आपने ये रूल पढ़ा हुआ है बेटा, जब भी IUPAC नेमिंग होती है तो एक बॉबल्स को हम बेटा रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपका जो IUPAC नेम रहेगा इस एल्डिहाइड कॉम्प्लेक्स का वो रहेगा बेटा मिथेनल, क्या रहेगा बेटा यहाँ पे आपका मिथेनल। तो कुछ और प्रॉब्लम्स को हम डिस्कशन कर रहे हैं बेटा जो कि एल्डिहाइड से रिलेटेड रहेंगी, वो आप देख सकते हो यहाँ पे मिथेनल को अभी हमने पढ़ा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दो कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन रहेगा और CHO के लिए बेटा अल रहेगा, तो नेम रहेगा बेटा इथेनल, क्या रहेगा बेटा आपका इथेनल। ओके, अब इस मिथेनल को बेटा आपने जो अपने मिथेनल का जो कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम जरूर आपने ध्यान रखना है बेटा, इसको हम फॉर्मेल्डिहाइड का नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं बेटा यहाँ पे हम फॉर्मेल्डिहाइड का नाम देते हैं।
ऑन द सेम वे यहाँ पे सी एच थ्री सी एच ओ का जो कॉमन नेम होता है दैट इज द एसीटाइल्डिहाइड। क्या रहेगा बेटा यहाँ पे? एसीटाइल्डिहाइड। ओके, अब एक एरोमेटिक एल्डिहाइड कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप इस बेंजीन रिंग के साथ, इस फिनाइल रिंग के साथ सी एच ओ ग्रुप अटैच है। तो बेटा ध्यान रहे, इस मॉलिक्यूल का, इस मॉलिक्यूल को हम नॉर्मली, इस मॉलिक्यूल को बेटा हम नॉर्मली इसका कॉमन नेम लेकर ही चलते हैं। ओके, तो आपने देखा यहाँ पे बेटा जो इसका नाम रहेगा वो रहेगा बेंजाल्डिहाइड। क्या रहेगा बेटा यहाँ पे? बेंजाल्डिहाइड। तो आपने अब क्या करना है बेटा, इसका आईयूपीएसी नेम को ट्राई करना है। तो आईयूपीएसी नेमिंग के लिए बेटा आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, वर्ड रूट होना चाहिए, प्रीफिक्स होनी चाहिए बेटा फर्स्टली, परफिक्स होनी चाहिए यहाँ पे। तो परफिक्स यहाँ पे अब जो ये बेंजाइल रिंग है यहाँ पे बेटा, जो ये वाली रिंग है दैट इज़ द फिनाइल रिंग, ये वाली फिनाइल रिंग वर्क करेगी बेटा आपका एज ए परफिक्स। कार्बन वन है, सिंगल बॉन्डिंग है बेटा, और फंक्शनल ग्रुप सी एच ओ प्रजेंट है। तो आप इसका नाम दे सकते हो बेटा वन फिनाइल, या सिंपली बोल सकते हो बेटा फिनाइल। ए कार्बन के लिए रहेगा बेटा मिथ, ओके, और सिंगल बॉन्ड के लिए रहेगा एन, और सी एच ओ के लिए रहेगा बेटा आल। मीन्स जो नेम रहेगा बेटा वन फिनाइल मिथेनल का नाम रहेगा इसका। ओके, वरना बेटा आपने इसका कॉमन नेम बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, दैट विल बी बेंजाल्डिहाइड। ओके, अब कुछ और प्रॉब्लम्स हैं बेटा जो कि आपकी एल्डिहाइड कॉम्प्लेक्सिस के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगी, उसको आपने पढ़ना है वो है बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को बेटा आपने चेक करना है। इस मॉलिक्यूल के अंदर आप देख रहे हो बेटा यहाँ पे सी एच ओ ग्रुप आपको साइड में दिख रहा है, बट ध्यान रहे बेटा हमेशा आपके माइंड के अंदर ये बात रहनी चाहिए कि हमेशा जब भी बेटा आप मॉलिक्यूल्स की नेमिंग करते हो, जब भी बेटा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की नेमिंग करते हो, तो किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की नेमिंग के टाइम बेटा आपकी सेकेंडरी सफिक्स मस्ट बी इंक्लूडेड। मीन्स ये वाला सी एच ओ ग्रुप बेटा आपके वर्ड रूट के अंदर जरूर इंक्लूड होना चाहिए। तो जब भी बेटा आपने नेमिंग देनी है तो इस टाइप से बिल्कुल भी नेमिंग नहीं देनी बेटा कि आप इसको एक चेन कंसीडर कर लो, उस चेन के अंदर आपका फंक्शनल ग्रुप जरूर बेटा मस्ट बी एडेड, यहाँ पे बेटा जरूर एडेड होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग जब भी हम नेमिंग करते हैं, सी एच ओ के ऊपर वन रहेगा, फिर टू रहेगा, फिर थ्री रहेगा, और यहाँ पे फोर रहेगा। अब आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन होगा बेटा यहाँ पे कि हम इस टाइप से भी नेमिंग ले सकते थे, वन था बेटा यहाँ पे, टू था, थ्री था, और फोर था। ओके, तो इस टाइप से बेटा सेम नेमिंग रहेगी। तो टू पे बेटा एक प्रीफिक्स बनी दैट इज द इथाइल, तो आपकी नेमिंग जो बनेगी वो देख सकते हो बेटा यहाँ पे टू इथाइल, फोर कार्बन के लिए ब्यूट रहेगा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन रहेगा, और यहाँ पे अल रहेगा। इस मॉलिक्यूल को बेटा आप खुद ट्राई करने की कोशिश करोगे, बिल्कुल सिंपल सा मॉलिक्यूल है, देख सकते हो आप यहाँ से वन से सेवन तक वर्ड रूट कंसीडर किया जाएगा, और यहाँ पे थ्री और फोर के ऊपर प्रीफिक्स है बेटा दैट इज द मिथाइल एंड ब्रोमो। ओके, तो इसकी बेटा नेमिंग आपकी बहुत ही ईजिली हो जाएगी, फोर ब्रोमो थ्री मिथाइल पेंटेन, और बिल्कुल सेम ये रहेगा बेटा आपका, ये वाले मॉलिक्यूल भी बेटा बहुत ईजिली से आप रिकवर कर सकते हो। तो प्लीज़ इनको सॉल्व करना है बेटा आपने। ओके, सॉल्व करने के बाद बेटा प्लीज़ आप मेरे को व्हाट्सअप के थ्रू बेटा ये वाली जो आप असाइनमेंट आपको दिख रही है, ठीक है, इसको मेरे को सेंड करना है। और यहाँ पे बेटा एक थोड़ा सा मॉलिक्यूल है जो आपको बेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो आप देख सकते हो यहाँ पे सी एच ओ एंड सी एच ओ, मीन्स फंक्शनल ग्रुप बेटा टू टाइम्स रिपीटेड है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात रहेगी बेटा, कार्बन काउंट करने अपने वन टू थ्री फोर, फोर वन टू थ्री फोर एंड फाइव। ओके, पेंट बना बेटा सिंगल बॉन्ड के लिए एन रहेगा। अब यहाँ पे सी एच ओ ग्रुप टू टाइम्स रिपीटेड है, तो आप इसको बेटा जी डाई अल का नाम दे सकते हो, ये वाला मॉलिक्यूल बहुत ईजिली हो जाएगा, और ये वाला भी बेटा बहुत ईजिली हो जाएगा। अब इस मॉलिक्यूल को आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे। ओके, तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आप देख रहे हो बेटा यहाँ पे, तो सी एच ओ ग्रुप को बेटा जब भी हम बेटा सी एच ओ ग्रुप को जब भी हम सेपरेटली डिस्कशन करते हैं, तो बेटा ध्यान रहे उसको हम कार्बेल्डिहाइड का नाम देते हैं। ध्यान रहे बेटा यहाँ पे कार्बेल्डिहाइड का नाम देंगे। ओके, तो अब यहाँ पे बेटा सिक्स कार्बन है जो कि एक रिंग के अंदर है, तो आप इसको नाम दे सकते हो बेटा साइक्लोहेक्सेन।
साइक्लोहेक्सेन और सी एच ओ जो कि फंक्शनल ग्रुप है दैट विल बी कार्बेल्डिहाइड। ओके, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड का नाम भी दे सकते हो इसको। और अगर बेटा आप इसको IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग आप इसके नेमिंग करना चाहते हो तो सी एच ओ विल बी कंसीडर एज आ बेटा जी आप इसको देख सकते हो, एक कार्बन के लिए बेटा मिथ वर्ड यूज होगा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन वर्ड यूज होगा और सी एच ओ के लिए अल वर्ड यूज होगा। तो इस ग्रुप को मींस जो साइक्लोहेक्सेन ग्रुप है, इस साइक्लोहेक्सेन को आप साइक्लोहेक्साइल कंसीडर कर सकते हो। तो आप नेम दे सकते हो बेटा साइक्लोहेक्साइल मिथ एन अल। ओके, तो इसको आपने बहुत अच्छे से बेटा ध्यान रखना है। अब हम बेटा बात कर रहे हैं कीटोन के कॉम्प्लेक्सेस की। ओके, तो कीटोन्स में आप देखोगे बेटा, आपने बहुत अच्छे से बताया एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर जो डिफरेंस रहता है, यहाँ पे एच प्रेजेंट है और यहाँ पे आर डैश प्रेजेंट है। ओके, अब इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स रहेगी वो रहेगी बेटा ओ एन ई, मीन्स ओन रहेगा। अब इसके एग्जाम्पल हम डिस्कशन करने वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो एग्जाम्पल के अंदर आप देखोगे बेटा यहाँ पे CH3CO CH3 में आप देख सकते हो बेटा तीन कार्बन है, तो तीन के लिए प्रोप वर्ड यूज करोगे, सिंगल बॉन्ड है बेटा कार्बन और कार्बन के बीच में तो एन वर्ड यूज करोगे। ओके, और CO ग्रुप प्रेजेंट के लिए बेटा ओन वर्ड यूज करोगे आप, तो आप इसका नाम दो दे सकते हो बेटा प्रोप एन ओन। ओके, और इसका कॉमन नेम भी आपने जरूर ध्यान में रखना है बेटा, एसीटोन इसको बोल दिया जाता है। अब यहाँ पे बेटा जो सेकेंड मॉलिक्यूल है CH3CH2CO CH3, फोर कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन वर्ड यूज होगा और अब सी ओ ग्रुप बेटा टू के ऊपर है तो टू ओन बोल सकते हो। ओके, अब यहाँ पे बेटा जी इस मॉलिक्यूल को आपने अच्छे से देखना है, इस मॉलिक्यूल के अंदर बेटा सी ओ के साथ यहाँ पे इधर सी एच थ्री और यहाँ पे फिनाइल रिंग अटैच है। ओके, तो आप इसकी नेमिंग देख सकते हो बेटा मिथाइल फिनाइल कीटोन। ओके, अब ध्यान रखना है बेटा जी मिथाइल फर्स्टली एज कंपेयर टू बेटा जी अगर फिनाइल के साथ हम कंपेयर करते हैं एम अल्फाबेट्स पहले आता है, इस कारण बेटा हम मिथाइल को पहले और फिनाइल को बाद में नोट करते हैं। ओके, अब इसका बेटा आपने इसके साथ साथ इस मॉलिक्यूल का जो कॉमन नेम है उसको भी जरूर ध्यान में रखना है, इसको बेटा जी हम एसीटोफिनोन का नाम देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो देख सकते हो आप, यहाँ पे बेटा टू फिनाइल रिंग्स अटैच हैं, तो आप बोल सकते हो बेटा डाई फिनाइल कीटोन का नाम भी दे सकते हो इसको। क्या नाम दे सकते हो बेटा इसको? डाई फिनाइल कीटोन का नाम भी दे सकते हो। और इसका जो कॉमन नेम होगा दैट इज वेंजोफिनोन। ओके, अब हम बेटा बात कर रहे हैं कुछ कीटोन कॉम्प्लेक्सेस की। तो कीटोन के अंदर आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे बहुत सिंपल एग्जांपल रहेंगे आपके सामने हैं, जो कि CH3COCH3 को अभी पढ़ा बेटा हमने। इस मॉलिक्यूल को आप देख सकते हो यहाँ पे फाइव कार्बन है, टू के ऊपर बेटा CO ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप देख सकते हो पेंट एन टू ओन ये वाला मॉलिक्यूल बहुत अच्छे से हो जाएगा बेटा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो बेटा फाइव कार्बन है, फाइव कार्बन में बेटा थ्री नंबर कार्बन के ऊपर CO ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, तो आप बोल सकते हो बेटा टू एंड फोर के ऊपर डाइमिथाइल पेंटेन थ्री ओन। इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे बेटा, यहाँ पे टू टाइम्स CO ग्रुप प्रेजेंट है तो डाई ओन, आप साथ में बेटा जी एक डाई ओन वर्ड यूज करोगे क्योंकि डाई विल बी रिप्रेजेंट द CO ग्रुप इज रिपीटेड टू टाइम्स। ओके, अब यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को भी बेटा आप बहुत अच्छे से रिकवर कर सकते हो। और यहाँ पे बेटा इसको देख सकते हो, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के अंदर बेटा यहाँ पे देखो दिस कॉम्प्लेक्स मीन्स बेटा ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है, ये वाला ग्रुप बेटा एज ए प्रीफिक्स काम कर रहा है, तो CO के ऊपर साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वन साइक्लोहेक्साइल प्रोप एन वन ओन। ओके, और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आप देख सकते हो बेटा आप यहाँ पे आप देखना है बेटा इस CH3 ग्रुप को अब आपने एज ए प्रीफिक्स कंसीडर करना है। ओके, तो आप देख सकते हो बेटा टू मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ओन। ओके, तो आज बेटा आपने अपनी कोई भी बुक जो भी आप फॉलो कर रहे हो उस बुक में बेटा एल्डिहाइड और कीटोन्स की कोई भी आपको बेटा IUPAC के
अंदर कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो आपको डाउट के अंदर हो, वरना बेटा आप एक बार उनको करके देखोगे तो बहुत अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बेटा मेरे को व्हाट्सअप करना है, वरना बेटा आपने जो भी मैं अभी आज असाइनमेंट शीट सॉल्व करवाई उनको आपने अच्छे से रिकवर करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।